लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिली हार के बाद यहां बीजेपी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य को दिल्ली बुलाकर ये इशारा किया गया कि योगी जी को ठोक दो। अब मुझे नहीं पता कि दिल्ली में कौन इशारा कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह या जेपी नड्डा कर रहे हैं, ये तो वही जाने, वो उनका घर है। योगी जी अपने उप मुख्यमंत्री और पार्टी को ठोक रहे हैं। अब लगता है कि बीजेपी में आपसी बुलडोजर वॉर चल रहा है। लखनऊ में 14 जुलाई 2024 को बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई थी, जिसके बाद से यूपी का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बढ़ती सियासी हलचल के बीच शुक्रवार 26 जुलाई को शाम को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव के कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ राज्य के अलग अलग मंडलों के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे। पहले सीएम योगी ने प्रयागराज मंडल में बैठक की थी जिसमें केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे थे। इसके बाद मुरादाबाद में हुई बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी नहीं पहुंचे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार 26 जुलाई 2024 को लखनऊ में एक बैठक की थी। इस बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद नहीं थे। हालांकि विधायकों का ये कहना है कि वो किसी निजी काम के कारण शहर से बाहर हैं, इसलिए मीटिंग में नहीं आ पाए। देखिए, उत्तर प्रदेश भाजपा और उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार में जूतों में दाल बंट रही है। उप मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाकर ये बताया जा रहा है कि इशारा किया गया कि योगी जी को ठोक दो। अब मुझे नहीं पता ये दिल्ली में प्रधानमंत्री इशारा कर रहे हैं, उप के अमित शाह जी ये इशारा कर रहे हैं या नड्डा जी कर रहे हैं, तो वही जाने, उनका उनका घर है। योगी जी अपने उप मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रधान को ठोक रहे हैं। अब लगता है बीजेपी में आपसी बुलडोजर वार चल रही है। वो उस पर बुलडोजर चढ़ाता है, वो उस पर बुलडोजर चलाता है, चढ़ाइए, ये हमारा काम भी नहीं है देखना, क्योंकि उनकी पार्टी है। पर उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में यूपी के हितों पर दिल्ली की सरकार भी बुलडोजर चला रही है और यूपी की सरकार जो निकम्मी, नाकारा और निकट्टू बन गई है, वो यूपी के लोगों के हितों पर अब बुलडोजर चला रही है। ये हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे और जनता के लिए केवल और केवल इंडिया गठबंधन, वो कांग्रेस हो, वो सपा हो, हम मिलकर संघर्ष करेंगे। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी एक बार फिर देश को गुमराह भी कर रहे हैं और देश के युवाओं को अंधकार में धकेलने का एक कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। क्या अग्निपथ की भर्ती और रेगुलर फौज की भर्ती की उम्र अलग अलग है? वहां भी आप 18 साल से 21 साल के बीच में जाते हैं, यहां भी उसी उम्र में जाते हैं। क्या 14 साल में अग्निपथ की भर्ती होगी? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री देश के युवाओं को, देश की फौज को, देश की सेना को, देश के सशस्त्र बलों को, देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। 4 साल के बाद मोदी जी, 4 साल के बाद वो नौजवान क्या करेंगे? और अगर एक रेगुलर सैनिक वीर गति को प्राप्त होता है तो उसको मुआवजा, नौकरी की अलग व्यवस्था है। यहाँ बीमा की राशि पकड़ाकर ये बोलते हैं कि अब घर चले जाइए। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, अनेकों अनेकों हमारे बंगाल, बिहार, इन सब प्रांतों से नौजवान सशस्त्र बलों में भी, पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी और देश की फौज में भी जाते हैं। मैं एक ऐसे प्रांत से आता हूं, हरियाणा से, जहां हर 10वां फौजी हरियाणा से, राजस्थान जिसकी मैं नुमाइंदगी करता हूं, सबसे ज्यादा फौजी राजस्थान देता है। परंतु अगर हमारे फौज के सैनिकों को, सशस्त्र बलों के साथियों को, पैरामिलिट्री के फोर्सेस को, सीआरपीएफ को, आईटीबीपी को, सीआईएसएफ को, इन सब जवानों को अगर हम पक्की नौकरी से हटाकर और अब उनकी जगह ठेके पर फौज लगाएंगे तो उससे फौज जवान कैसे होगी? प्रधानमंत्री जी, आपसे सादर निवेदन है, कृपया करके देश की फौज, देश के नौजवानों का बेवकूफ बनाना बंद करिए, वो भी आज कारगिल विजय दिवस पर, जब शहादत का दिन है, हमारी जीत का दिवस है। ऐसे दिन पर प्रधानमंत्री अगर ये करते हैं तो वह संविधान की अवहेलना भी कर रहे हैं और देश की फौज का अपमान भी कर रहे हैं।
एक सवाल और अलग से है सर, जो आप अगर जवाब दे ही रहे हैं तो, अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखा कांवड़ वाले पर इंटरिम फैसला, उस पर रुक जा रही है। अभी उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया हरिद्वार में कांवड़ मार्ग पे जो मस्जिदें हैं मजार हैं उनको ढकवा दिया और कह रहे हैं कि ये फैसला बहुत जरूरी था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक और आदमी है जो मोदी जी से बड़ा मोदी बनने की कोशिश कर रहा है, वो है धामी। चुनाव हार गया, विधानसभा जीत नहीं पाया, उसके बावजूद भी उसे मोदी जी के अहंकार के चलते मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब वो अहंकारी व्यक्ति उत्तराखंड जो देवभूमि है, उत्तराखंड जो भोलेनाथ की भूमि भी है, विष्णु जी की भूमि भी है, उत्तराखंड जो गंगा जमनी तहजीब का एक जीवंत सबूत है, उत्तराखंड जहां हरिद्वार के बगैर शायद ही किसी की गति हो सकती है, उस उत्तराखंड को भी हिंदू मुस्लिम के मजहबी टकराव के अंदर अगर कोई धकेलने की कोशिश कर रहा है तो वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वहां की सरकार है। अगर कोई व्यक्ति, अगर वहां के गवर्नर में जरा भी संविधान के प्रति आदर है तो आज ही उसे बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसी सरकार को, क्योंकि वो सरकार जो संविधान को बुलडोजर से कुचल रही है, ऐसी सरकार को एक दिन भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। कोई कावड़ सावन के महीने में लेकर आता है तो शिव जी की भक्ति के लिए लाता है, हिंसा के लिए नहीं लाता। और अगर हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई वहाँ नहीं है पर ये तीन बिरादरियाँ तो हैं, हिंदू मुसलमान और सिख हमारे भाई जो हैं, अगर वो मिलकर उन यात्रियों की सेवा करते हैं तो ये देश की गंगा जमनी तहजीब का सम्मान है और भोलेनाथ की संस्कृति का सम्मान भी है। जो मुख्यमंत्री उसका अपमान करे, उसे सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।